हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे एसओएससी क्लास 9th और 11th में एडमिशन लेने के लिए क्या सिलेबस है, पेपर का क्या पैटर्न है, कितने एमसीक्यू आते हैं, किस सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर करने पर आपका एडमिशन वहां हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम कोर्सेज, पीसीएम यानी स्टेम इंजीनियरिंग और पीसीबी यानी स्टेम मेडिकल में किस प्रकार से टेस्ट होगा। 11th पीसीएम में रिटन एमसीक्यू टेस्ट होता है। इस पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो सेक्शन 1, 2, 3, 4 में डिवाइडेड होंगे। अब देखिए, सेक्शन 1 में 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो मेंटल एप्टीट्यूड के होंगे। सेक्शन 2 में 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो साइंस के बेस पे होंगे। सेक्शन 3 में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो मैथमेटिक्स के बेस पे होंगे। और सेक्शन 4 में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि सेक्शन ए जो है, ये जो सेक्शन ए है, इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग, -1 मार्क होगी। ऐसी सेक्शन बी यानी सेक्शन 2 और 3 जो है, ये 5 मार्क का हर क्वेश्चन होगा जिसमें -1 नेगेटिव मार्किंग हो गलत होने पर। और सेक्शन 4 6 मार्क का हर क्वेश्चन होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि पीसीएम में एसएसटी का कोई भी पोर्शन नहीं आएगा 10th लेवल तक। ये इसका क्लू है जो आपको याद करना है। क्या आएगा? साइंस आएगी, मैथ आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा और रीजनिंग आएगी। अब बात करते हैं 11th पीसीबी के लिए। 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर सेक्शन 1 फिजिक्स का, सेक्शन 2 केमिस्ट्री का, सेक्शन 3 बायो का और सेक्शन 4 मेंटल एबिलिटी का। चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, 1, 2, 3, 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी ईच क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर क्लू क्या है? देखिए, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मेंटल एप्टीट्यूड मीन्स आपका जनरल मैथमेटिक्स क्लास 8 तक, लेकिन आगे की मैथमेटिक्स नहीं है 11th बीसीबी कोर्स के लिए। 9th 10th की मैथ्स आपको नहीं पढ़नी होगी। मेंटल एप्टीट्यूड अप टू 8 तक की जो मैथ है वो आपको यहाँ आ रही है और एसएसटी फिर से यहाँ पर नहीं आ रही है। तो मैथ कहाँ तक आ रही है? 6 टू 8 तक मैथ आ रही है और एसएसटी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये एक कोर्स हो गया पीसीबी और पीसीएम। अब आगे बात करते हैं, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए था। लगभग इसी पैटर्न से इस बार भी होगा। देखिए सिलेबस क्या है। इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग ही होता है जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, साइन, शेप्स, ग्राफिकल, चेंज इन पैटर्न, ये रीजनिंग का पोर्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। कैरियर ओरिएंटेशन की बात होगी, जर्नलिज्म, सोशल, लॉ, रिसर्च, ये पॉलिटी का पोर्शन है, ये 15 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड। क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए बेसिक आइडिया, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल कनेक्शंस, ये भी रीजनिंग का एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसमें आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और आपको थिंक करके बताना है क्या है। द क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट विल टेस्ट द अबव मेंशन स्किल ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनके बेस पे यहाँ पर काम करना है। 15 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और रिसर्च मेथड की बात करें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के साथ साथ प्राइमरी, सेकेंडरी रिसर्च, डेटा एनालिसिस, ये ज्योग्राफी का एक थोड़ा सा पोर्शन है। प्राइमरी चीज़ें क्या होती हैं, सेकेंडरी चीज़ें क्या होती हैं, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा आ जाता है। 10 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, तो ये ह्यूमैनिटी का पोर्शन कवर हो गया। ये जो शहीद भगत सिंह आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल है, ये बहुत ही अनोखा है। इसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा है। देखिए, 3 राउंड टेस्ट के होंगे। पहला राउंड होगा रिटन टेस्ट, दूसरा राउंड होगा फिजिकल और पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा राउंड होगा मेडिकल एंड स्क्रीनिंग। जो फर्स्ट राउंड को क्लियर करेगा वो ही सेकेंड राउंड में जाएगा। मिनिमम मार्क्स हैं 25 मार्क्स ईच सेक्शन के अंदर और 40 मार्क्स टोटल मिलाकर। जो फर्स्ट राउंड रिटन टेस्ट है उसके ये पैटर्न है। सेक्शन ए जो होगा मैथमेटिक्स होगा, 25 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, टोटली क्लास 10th के बेस पर। सेक्शन बी लैंग्वेज एबिलिटी इंग्लिश की होगी, 15 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। इसमें क्या होगा, एक ग्राफ दे दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपने पढ़ के उससे इवेलुएट करना है, उससे आंसर देना है। अनसीन पैसेज, अच्छे अनसीन पैसेज होंगे। जनरल साइंस की बात करें तो क्लास 10 तक साइंस आनी चाहिए, 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। रीजनिंग की बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड, टोटल 60 मार्क का क्वेश्चन होगा। जो राउंड 1 में क्लियर हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा, उसको राउंड 2 के लिए बुलाया जाएगा।
राउंड टू डिटेल्स उन्हीं को शेयर करी जाएंगे जो राउंड वन क्लियर कर लेते हैं। तो ये डिटेल्स हो गई आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल ऑफ SOSE की। ये जो भी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ये सारी PDF पिन कर रहा हूँ, आप इसको देख के ध्यान से पढ़ सकते हैं और कोई भी कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।